नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल होनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने स्वस्तिक सिंबल के बारे में चर्चा की थी, किस तरह से उसके पीछे क्या टेक्निकल लॉजिक है और किस तरह से स्वस्तिक सिंबल हम ड्रॉ कर सकते हैं। कि आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हाउ वास्तु साइंस साइंटिफिकली वर्क, कि वास्तु साइंस ये साइंटिफिकली किस तरह से काम करता है। जिस तरह से मैंने लॉजिकली टेक्निकल पैरामीटर के साथ कोरिलेट करके इस साइंस को अंडरस्टैंड किया, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फिजिक्स के पैरामीटर, मेटाफिजिकल पैरामीटर, जो कुछ भी हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो लॉ हमें दिए हैं, मैंने उसके साथ इस साइंस को कोरिलेट किया, तो वही टेक्निकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस साइंस को। और ये जेन्युइन है और ये साइंस टेक्निकल है, इसको स्पिरिचुअल बेस है, ये साइंस स्पिरिचुअल है। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअल नहीं है, ग्रंथों में सभी चीजें स्पिरिचुअली लिखा हुआ है, अध्याय लिखे हुए हैं, संस्कृत में सब चीजें मेंशन है, लेकिन हम आज के जगत में आज के टेक्निकल जगत में हमें इस साइंस को टेक्निकली ही अंडरस्टैंड करना होगा। जब मैं आपको उसका कनेक्शन कुछ टेक्निकली बताऊंगा तभी आपको ट्रस्ट आएगा कि नहीं, ये साइंस ऐसे ही काम करता है। मैं हमेशा मेरे वीडियो में कार्बन एटम, कार्बन ट्रीटमेंट, कार्बन कंपोजिशंस की बात करता हूँ, किस तरह से साइंटिफिकली वास्तु साइंस वर्क करता है उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। दो चीजें हैं, एक वर्चुअल अर्थ और एक एक्चुअल अर्थ। वर्चुअल अर्थ आकाश तत्व हम जिसे कहते हैं, एक्चुअल अर्थ पृथ्वी तत्व जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब लॉजिकली समझ लीजिए कि ये दो वर्चुअल एंड एक्चुअल अर्थ है। हम तो जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन कर रहे या भवन बना रहे तो एक्चुअल अर्थ में, स्काई या आकाश तत्व जिसे हम कहेंगे या स्पेस एलिमेंट हमारे सर के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में ही हमारा भवन है, हम खुद है, सभी चीजें हैं। तो जब कभी भी भवन बनता है और उस पर छप्पर डाला जाता है या फिर एनर्जी ब्लॉक होती है, स्लैब गिरता है, फॉर एग्जाम्पल अब अगर मान लो ये भवन बन रहा है, ये बिल्डिंग बनी हुई बन रही है, जब तक इस बिल्डिंग में स्लैब नहीं गिरेगा ऊपर, तब तक वर्चुअल और एक्चुअल अर्थ में वो एनर्जी ब्लॉक नहीं होगी, जिसे हम कहते हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। एक हो गई यूनिवर्सल कॉन्शियस एनर्जी, फिक्स है नेचर, फिक्स एनर्जी, और एक हो गई सबकॉन्शियस, ये हमारा घर। हमने क्या किया, कॉन्शियस एनर्जी को सबकॉन्शियस एनर्जी में डिवाइड कर दिया, ये हो गया हमारा स्पेस, ये हो गया हमारा एक्चुअल अर्थ, मतलब इसे हम कहते हैं आकाश तत्व और ये हमारा पृथ्वी तत्व। आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, जब ये भवन बनता है तो उस वक्त ये जो तीन एलिमेंट है, फाइव एलिमेंट्स है, आपको थ्योरी पता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। वाटर, एयर और फायर, ये जो तीन एलिमेंट है, वो जो तीन एलिमेंट है वो एक्टिव हो जाते हैं। पानी अगर नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह पाओगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एयर एलिमेंट नहीं रहेगा तो भी हमारी मतलब हम जीवन जी ही नहीं पाएंगे, मतलब मृत्यु हो जाएगी। फायर हमें चाहिए हमारा पेट भरने के लिए, तो ये तीन एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पेस एलिमेंट या मेटल एलिमेंट जिसे हम कहते हैं, और ये हो गया हमारा अर्थ एलिमेंट। कितने एलिमेंट आ गए, पांच, वाटर, एयर, फायर, स्पेस और अर्थ, यही पंचतत्व है। तो जब कभी भी भवन बनता है तो वाटर, एयर, फायर, ये तीन एलिमेंट नेचर के एक्टिव हो जाते हैं और वो जो एनर्जी है, कॉन्शियस एनर्जी सबकॉन्शियस में डिवाइड हो जाती है, और जब वो एनर्जी डिवाइड हो जाती है तब उसे ये पंच तत्वों के नेचर के पैरामीटर्स लागू हो जाते हैं, कोई भी स्पेस हो आपका भवन। अब टेक्निकली समझते हैं कि वास्तु साइंस कैसे काम करता है। मान लो ये अर्थ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ये सेंटर है, सेंटर पॉइंट ऑफ अर्थ। तो मैंने जो भवन बनाया है वो अर्थ पे एक भवन बनाया, मान लो ये भवन बनाया है, ठीक है, ये बिल्डिंग्स है अर्थ पर। अब अर्थ तो रोटेट हो रही है,
360 डिग्री अर्थ का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है, ओके, डे नाइट हो ही रही है, रोटेशन ऑफ अर्थ चल रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अर्थ के साथ ये जो डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड द अर्थ, समझ में आया। अब ये नॉर्थ पोल पकड़ लीजिए, ये साउथ पोल पकड़ लीजिए, ओके, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब रोटेशन ऑफ अर्थ जो है एंटी क्लॉकवाइज, ओके, डे नाइट रेगुलर हो रहा है, उसके साथ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कोरिलेट है या रोटेट हो रही है। तो वास्तु में हम टेक्निकली सबसे पहले नॉर्थ ग्रिड करते हैं और वो भी मैग्नेटिक नॉर्थ। कितने डिग्री पे मैग्नेटिक नॉर्थ है वो पर्टिकुलर घर का, वो भवन का, वो ऑफिस का, वो इंडस्ट्री का, वो स्पेस का। जब हम वो मैग्नेटिक नॉर्थ एक्चुअल ग्रिड करते हैं कि मैग्नेटिक नॉर्थ कितने डिग्री पे है और उस पर हम वास्तु के पैरामीटर अप्लाई करते हैं, मान लो ये भवन में हमने 10 डिग्री मैग्नेटिक नॉर्थ पे पैरामीटर अप्लाई कर दिया, कार्बन ट्रीटमेंट कर दी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, ये डॉटेड लाइन, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलते रहता है 360 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो अर्थ का रोटेशन है उसके साथ में चलते रहता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 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 घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं हमेशा जब बोलता हूं कि मैं कार्बन एटम का एक्सपर्ट हूं, वास्तु की ट्रीटमेंट में कार्बन पे करता हूं, क्यों? क्योंकि फाइनल कंपोजिशन ही हमारे शरीर का कार्बन है, ठीक है। अब कैसे, जिस दिन ये शरीर की लाइफ फोर्स एनर्जी जब तक है तब तक पंच तत्वों का काम है, पानी पीना है, ऑक्सीजन लेना है, फायर एलिमेंट लगेगा। जिस दिन मृत्यु हो जाएगी ये बॉडी एक तो जलाई जाएगी नहीं तो अर्थ एलिमेंट में डाली जाएगी, तो फाइनल एलिमेंट क्या है, कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन का फेवरेट फ्लोइंग पाथ कौन सा है, तो कार्बन एटम है। मान लो मैंने इस भवन में वास्तु अप्लाई कर दिया, वास्तु किया, ये भवन में अर्थ पर वास्तु किया, वहां पर मैंने कार्बन कंपोजिशन डाल दिए, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना, ये 10 डिग्री पे अगर मैंने वास्तु के पैरामीटर वहां पर अप्लाई कर दिए तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा वहां पर टाइम स्पेंड करेगा। क्यों? क्योंकि हम उस इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर रहे हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, हमने वहां पर उसका जो फेवरेट फ्लोइंग पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन, वो वहां पर एक्टिव कर दिया। अब ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब वास्तु में कोई सिंबल्स लगाते हैं, कोई पिरामिड लगा रहा है, कोई क्रिस्टल लगा रहा है, लेकिन जो ऑथेंटिक एंड रियल एंड परमानेंट ट्रीटमेंट है वास्तु की वो है कार्बन ट्रीटमेंट। अब वो सॉलिड फॉर्म में होगी। मान लो आप डॉक्टर के पास गए हो, आपको कुछ तकलीफ है, पेट में दर्द है, डॉक्टर पहले यही पूछेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम डिस्कस होने के बाद वो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, दवाई लिख के देगा, और आफ्टर दैट आप कुछ दिन वो दवाई लोगे। सिर्फ गोली का लेबल देखने से काम नहीं चलेगा, वो प्रोसेस है। सुबह शाम आपको गोली लेनी है, पानी लेना है, पानी के साथ दवाई लेनी है, पेट में जाएगी, वो पर्टिकुलर जो सेल है उस तक पहुंचेगी, उसको एक्टिव करेगी, फिर वो आपको हील देगी और हीलिंग होते होते आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये प्रोसेस है। तो कभी भी किसी भी भवन में जब वास्तु के प्रॉब्लम्स होते हैं या वहां की एनर्जी इम्बेलेंस होती है, अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन को अपना पाथ मिल गया तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सबसे अच्छी होती है और वो एनर्जी एनहांस होती है, बूस्ट होती है उस पर्टिकुलर स्पेस की। तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति आएगा, अगर आपके घर में कार्बन ट्रीटमेंट है तो वो यही कहेगा कि आपके घर में बहुत पॉजिटिव लगता है, एनर्जी के वाइब्रेशन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमने किस पर काम किया, एनर्जी। अब एनर्जी तो किसी को दिखती नहीं है, ओके, हवा महसूस होती है लेकिन दिखती नहीं है। तो आप ये भी बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी को दिखेगा नहीं। हमारे जो साइंटिस्ट थे वो ऐसे ही नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पे काम किया कि वो कार्बन ऑर्बिट में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी दिखेगा। लेकिन ये तो है कि नॉर्थ साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के अराउंड में अर्थ घूम रही है 360 डिग्री, 360 अर्थ का रोटेशन चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके साथ अगर 10 डिग्री मैग्नेटिक नॉर्थ पे अगर मैंने किसी भी भवन में पैरामीटर अप्लाई कर दिए तो वहां पर एनर्जी बैलेंस
परमानेंटली हो जाएगी, क्योंकि जब वो रोटेशन ऑफ अर्थ वो पर्टिकुलर 10 डिग्रीज पे आएगा वो कभी भी आ सकता है, वो उसका टाइम हमें भी पता नहीं है। तो जब आएगा तो वहां की एनर्जी बूस्ट होगी, एनहांस होगी, वहां सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो पर्टिकुलर स्पेस को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फेवरेट फ्लोइंग पाथ कार्बन वहां पे है। अब वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अब कार्बन है क्या, मैं आपको सिंपली समझाता हूं। आज जितने भी बिल्डिंग्स बन रहे हैं उसमें सीमेंट यूज हो रहा है, सरिये यूज हो रहा है, लोहा यूज हो रहा है, ओके, तो ये सभी चीजें कार्बन फॉर्मेशन ही है। आज बड़ा सा बड़ा डायमंड अगर आप लेंगे तो डायमंड इज नथिंग बट द कार्बन, ओके। जिस सरिये में कार्बन कंपोजिशन अच्छा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, सीमेंट में कार्बन कंपोजिशन अच्छा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी। तो यही होता है, यही टेक्निकल लॉजिक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है आप डॉटेड लाइन देख पा रहे हो, ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उस पर हमने ये एक भवन बना दिया, और ये जो भवन बनाया है वहां पर हमने अगर वास्तु अप्लाई कर दिया उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक नॉर्थ के डिग्री पर, और अगर वहां पे कार्बन ट्रीटमेंट कर दी तो ये इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड वहां करेगा, क्योंकि उसका फेवरेट फ्लोइंग पाथ वहां पर है। वो फिर आधा घंटा रुकेगा, एक घंटा रुकेगा, 15 मिनट रुकेगा, 20 मिनट रुकेगा, इट्स डिपेंड अप टू द कितना उसको रुकना है, ये कोई ग्रीड नहीं कर पाएगा। तो यही लॉजिक है वास्तु के पीछे, वास्तु साइंस करता ही काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे है, और यही ऑथेंटिसिटी है इस साइंस की। और हमें जड़ में कोई भी चीज जड़ में करनी है और सॉलिड में करनी है, लिक्विड में नहीं, समझ में आ रहा। अब कार्बन कंपोजिशन या कार्बन एटम, ये जो है कार्बन कंपोजिशन किस में मिलेंगे, जो चीजें अर्थ के अंदर से निकल रही है ना वही अर्थ को सबसे अच्छी बैलेंस करती है, ओके। तो दोस्तों ये जो पंच तत्व है, ओके, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट, एक्चुअल अर्थ पर हम खड़े हैं या हमारा भवन है, और ये आकाश तत्व वर्चुअल अर्थ, ओके, जिसे हम स्पेस एलिमेंट कहते हैं, ये हमारे सर के ऊपर है, इन दोनों के बीच में ही हम है। और ये तीन एलिमेंट जो है वाटर, एयर और फायर, ये लागू हो जाता है जब आपके भवन के ऊपर छप्पर गिरता है, क्योंकि हमने कॉन्शियस एनर्जी को सबकॉन्शियस माइंड में डिवाइड कर दिया। तो यही टेक्निकली मैं आपको समझाना चाह रहा था कि वास्तु साइंस टेक्निकल, मेटाफेरिकल या किस तरह से साइंटिफिकली काम करता है। आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ में आ गई होंगी टेक्निकली, ओके। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो यू कैन कमेंट डायरेक्टली। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और टेक्निकली चीजें इस साइंस की जानेंगे। अगर कोई भी आपको डाउट्स है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैंने जिस तरह से इस साइंस को कोरिलेट किया कंजर्वेशन लॉ के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ओके, और बाकी जो हमारे फिजिक्स के पैरामीटर्स है, इलेक्ट्रॉन है, केमिस्ट्री बोलिए या इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड है, उसी तरह से मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर की। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और टेक्निकल चर्चा हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स।